क्यों कागज फेंक रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है। उस रोहन ने मुझे कागज फेंक के मारा। ऐसे कागज बर्बाद करना बहुत बुरी बात है बच्चों। आपको पता भी है कागज पेंसिल बनने में कितने सारे पेड़ों का उपयोग होता है? कागज और पेंसिल पेड़ों से बनते हैं? हमने तो अभी ढेर सारे कागज फाड़े हैं। मैम, आप हमें बताइए कि कागज और पेंसिल की बचत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, इससे तो पेड़ भी बचेंगे। सुनो बच्चों, हमें कागज और पेंसिल की बचत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कागज बर्बाद करके हम जंगलों को बर्बाद करते हैं। जितना अधिक कागज हम उपयोग करते हैं, उतने ही अधिक पेड़ हमें कागज बनाने के लिए काटने की आवश्यकता होती है। ये तो हमें पता ही नहीं था। 1 टन कागज को बनाने के लिए हमें 17 हरे भरे पेड़ चाहिए होते है। हाँ, इसीलिए कागज का उपयोग अच्छे तरह से करना चाहिए बच्चों। उपयोग किए गए कागज को इकट्ठा करें और इसे पुनर्चक्रण करें। लिखने के लिए कागज के दोनों भागों का इस्तेमाल करें। सुनो रोहन, तुम तो कागज बहुत बर्बाद करते हो। पुरानी कॉपी के अच्छे पन्ने इकट्ठा करके नई कॉपी बनानी चाहिए। इसका हमें लेखा जोखा करने के काम में उपयोग होगा। जो कापियाँ इस्तेमाल करके खत्म हो गई है, उनके पन्नों को इकट्ठा करके हम उसका पेपर स्नैच बना सकते हैं और उससे हम रंग बिरंगे खिलौने भी बना सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरे पास भी कई पुरानी किताबें हैं, कापियाँ हैं। मैं भी उससे पेपर स्नैच बना के अच्छी अच्छी चीजें बनाऊंगा। मैं भी अब कागज का इस्तेमाल संभाल कर करूंगी। पेंसिल भी खत्म होने तक इस्तेमाल करूंगी। आधी खत्म होने के बाद पहले तो मैं फेंक देती थी, अब मैं वैसा नहीं करूंगी। हाँ, इससे पेड़ बचेंगे, हरियाली बनी रहेगी, पंछी आएंगे। हाँ, पेड़ बचेंगे तो हरियाली बनी रहेगी, पंछी आएंगे, प्राणी होंगे और सभी जगह पे हरियाली में ही खुशियाली छाएगी।